सतसकाल सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये जो प्रेडिक्शन है आपके सेंडस पे बेस्ड है, आपके सन साइन आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने सेंडस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th August टू 13th August 2023। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवान शिव की कथा का उच्चारण सिमरन ना हो, भक्ति के बारे में मेडिटेशन के बारे में बात ना हो तो एस्ट्रोलॉजी करने का मजा नहीं है। सो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो आपने इन सावन के दिनों में, क्योंकि 31 अगस्त तक सावन का महीना है, इस बार 2 महीनों का टाइम आया है 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, जिसमें तकरीबन 1 महीना निकल चुका है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास नियर अबाउट 4 वीक्स हैं मंडे के। तो मैं इस वीडियो में प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगा जिससे आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं या अगर आप अपनी चीजों को बेटर करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बताई हुई रेमेडी सावन के मंथ में करें, यू विल सी अ मिरेकल। सो गाइस सबसे पहले देखें, दुनिया चलाने में भगवान का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, वाहेगुरु का हाथ है, आई एग्री, लेकिन अर्थ पे रहने में खाना खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए हमें पैसा चाहिए, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो हमें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वी आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रगल, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ टेंशन। तो पहली रेमेडी सावन के महीने में जो आपको करनी चाहिए, 11 चावल के टुकड़े, टूटा हुआ चावल का टुकड़ा ना हो, 11 चावल के टुकड़े अच्छी तरह से जल में धोकर, उसके बाद दूध में धोकर, वो आपने अच्छी तरह से उसको सुखाकर शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर आप हर रोज सुबह 31 अगस्त तक ये करते हैं, चाहे आप कल से स्टार्ट कर लें चाहे आज से कर लें, तो आपके घर में आपके भंडारे भर जाएंगे, धन की कमी ना होगी। अगर आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आपका पैसा रोटेट नहीं हो रहा, तो भी आप 11 दाने चावल के, ये ध्यान रखना, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, गंदा चावल नहीं होना चाहिए, अच्छे तरह से जल में उसको वॉश करके 11 दाने चावल के, पूरे चावल के दाने, और कच्चे दूध में धोकर सुखाकर रोज सुबह आपने शिवलिंग पे रख कर आने। और चावल रखने से पहले आपने जब जल से शिवलिंग को अभिषेक करना है तो अपनी हथेलियों को शिवलिंग पे मलना है। जितना ज्यादा आप अपनी हथेलियों को शिवलिंग पे मलेंगे, यू नो, घिसाएंगे अपनी हथेलियों को शिवलिंग पे, उतना ज्यादा आपकी किस्मत तेज होगी। और उसके बाद आपने जल से अभिषेक करना है शिवलिंग का, और उसके बाद 11 दाने चावल के, जो पूर्ण तौर से चावल हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टूटा दाना इस्तेमाल नहीं करना, गंदा दाना इस्तेमाल नहीं करना, 11 दाने चावल के आपने शिवलिंग पे रख देने हैं। रेमेडी नंबर 2, अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपके फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो 5 रुपए की शक्कर ले लें और एक शहद की शीशी ले लें, पहले शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव को नमस्कार करें, और उसके बाद आप जल से अभिषेक करें, कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर 5 रुपए का जो शक्कर आपने लिया है उसको अपनी दोनों हथेलियों से शिवलिंग पे अभिषेक करें अच्छे से, कि आपकी हथेलियां अच्छे से, आप शक्कर जो है वो शिवलिंग के साथ चिपक जाए। उसके बाद आपने जो हनी की छोटी बोतल ली है उसका ढक्कन खोलना है, उस शहद को शिवलिंग पे चढ़ाना है, शिवलिंग पे शहद के साथ अभिषेक करना है अपनी हथेलियों से, पहले दूध के साथ किया, फिर शक्कर के साथ किया, फिर शहद के साथ किया, फिर उसके बाद अच्छी तरह से जल के साथ दोबारा अभिषेक करके वहां बैठकर समाधि लगाकर आपने ओम नमः शिवाय के 108 मन के रुद्राक्ष की माला का उच्चारण करना है। एक बार कर लें, 3 बार कर लें, 5 बार कर लें, 7 बार कर लें, जितना भी कर सकते हैं। रेमेडीज आर वेरी सिंपल, इट इज नॉट कॉस्टली, 10 रुपए में आपका काम हो जाएगा, 5 रुपए में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो श्रद्धा भावना है दिल में अच्छी होनी चाहिए। आपके स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो रिजोल्व होगी, अगर आपके घर में कोई हेल्थ इश्यू है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और अगर आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं, तो गन्ने के रस के साथ रुद्राभिषेक करवाएं,
मंदिर के पंडित जी को बोलें, प्रिस्त को बोलें कि गन्ने के रस के साथ आप रुद्र अभिषेक करवाना चाहते हैं, वो आपको स्पेशल टाइमिंग देंगे कि अब मंडे सुबह 5, 6, 7, 6.5, 7.5, 8, 9 आ जाएं और खाली पेट जाएं आप मंदिर में, गन्ने का रस लेकर जाएं, बाकी सामग्री पंडित जी खुद वहां से बाय करेंगे, आप खुद लेके जाएं, तो वो एक आधा घंटा लगेगा आपका पूर्ण तरीके से रुद्र अभिषेक होने से, जिससे कर्जे से इस सावन से लेकर अगले सावन तक आप अपना सारा कर्जा खत्म कर देंगे और यू विल एंजॉय कंफर्टेबल लाइफ। देखिए भगवान शिव के अंदर इतनी शक्ति है कि इन नव ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस दुनिया के जो हम बोल सकते हैं, जब जब दुनिया पे संकट आया है भगवान शिव ने दुनिया को संभाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सावन के दिनों को जाने ना दें। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है और आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो भी आप जाके सिर्फ हनी शिवलिंग पे अभिषेक करें, हनी के साथ, हनी शहद के साथ, तो आपका लव अफेयर जो है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक दिन एक चीज ध्यान में रखकर चलें, भगवान शिव जो है बड़े भोले हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है, उनका नाम त्रिलोकपति, यू नो नीलकंठ महादेव इसलिए है कि वो अंदर से बड़े भोले हैं। वो भगवान जो है अपने भक्तों की आस्था की ओर ध्यान देते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है, अगर आपके अंदर कोई लालच नहीं है या कोई गलत आपके दिमाग में प्लानिंग्स नहीं है फ्यूचर को लेके, तो जो आप मांगोगे सच्चे दिल से वो आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले दुनिया के लिए मांगे, फिर अपने माता पिता के लिए मांगे, फिर अपने भाई बहनों के लिए मांगे, फिर उसके बाद जो बच जाए बोले प्रभु मैं तो आपके चरणों में हूँ, आपका दास हूँ, दे दोगे तो आपकी मौज, नहीं दोगे तो आपकी मौज। तो कहने का मतलब ये, अपने लिए कभी कुछ ना मांगे, औरों के लिए मांगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। यही भगवान शिव है, यही उनकी माया है। अगर आप अपने लिए मांगेंगे तो आप स्वार्थी बन जाएंगे, फिर ना किसी और को, किसी और के काम आ सकेंगे आप, ना अपने, जो आपकी शक्ति होगी, जो आपकी भक्ति होगी, वो ना किसी और के काम आएगी, ना आपके खुद के। सो सबसे पहले दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में भगवान शिव से मांगे, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो जगत का कल्याण है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के लिए अच्छी हेल्थ है, अच्छी मैरिज लाइफ है, अच्छी वेल्थ है, उसके बाद जो बचा खुचा है, जो एक आधी रोटी है, वो आप और मेरे जैसे शिव भक्तों को अगर मिल जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं शिव की फौज करेगी मौज, मेरा ये कहना है शिव की फौज करती है मौज, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे चमत्कार देखे हैं, अप डाउन डाउन अप डाउन, लेकिन भगवान शिव की ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं। क्यों? क्योंकि नीयत साफ। अगर आपकी नीयत साफ है, आपके एफर्ट्स बड़े ज़्यादा अच्छे वे में हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भोलेनाथ के अगर आप भक्त हैं, भोलेनाथ के अगर दास है, तो मन में आस्था अच्छी रख के, पॉजिटिविटी रख के, आप हर रोज सुबह शिवलिंग पे जाएं, जल अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक करें, नमक चमक रुद्र अभिषेक करें, गन्ने के साथ, गन्ने के रस के साथ अभिषेक करें, आप अपनी ज़िंदगी में मिराकल्स देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ देखेंगे, एंड यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस। भगवान शिव की जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे आपके लिए, उतने ज़्यादा रास्ते आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल होगी कम होगी, टेंशन एंग्जाइटी स्ट्रेस से आपको मुक्ति मिलेगी। खास करके अगर आपके ऊपर राहु केतु या शनि की दशाएं चल रही हैं, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या आप शनि की दशा से पीड़ित हैं, तो भी आप भगवान शिव के सावन के महीनों में अगर सोमवार को फास्ट रखते हैं, या सोमवार के दिन, या हर रोज़ सुबह रुद्र अभिषेक करते हैं, चाहे जल के साथ करें, ये ज़रूरी नहीं कि आप दूध के साथ ही करें, जल के साथ कर लें, कच्ची लस्सी के साथ कर लें, लेकिन करें ज़रूर। सो भोले की फौज करती है मौज और करती रहेगी मौज। सिर्फ आपकी आस्था, आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। अपने लिए कुछ ना मांगे, जगत कल्याण के लिए मांगे, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए मांगे, आपको जो आखिर में मिलेगा वो बहुत होगा, जिससे आपकी जिंदगी सवर जाएगी। सो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना मेन टॉपिक, वो टॉपिक है वीकली प्रेडिक्शन का। 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक की ये जो प्रेडिक्शन है, मैं वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो भगवान शिव को दिमाग में रखकर मैं एस्ट्रोलॉजी की ये प्रेडिक्शन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ चैंटिंग्स बताऊँगा, कुछ आपको रेमेडी स्मॉल स्मॉल बताऊंगा आपके सैडनेस के बेस्ड पे। अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो आप उन रेमेडीज को करेंगे तो यू विल सी अ बिग चेंज। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एरीस असेंडेंस की। एरीस असेंडेंस की 7 अगस्त से 13 अगस्त तक का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे ज़्यादा पॉजिटिव डे नहीं है, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगी, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, वर्क प्लेस पे कोई इश्यू रहेगा, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में है तो सीनियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, लेकिन पैसे की आवक बनी रहेगी। पैसे को लेकर दिक्कत नहीं है एरिस, लेकिन मन परेशान और उतावला और बेचैन रहेगा। घर का माहौल स्पाउस की हेल्थ की वजह से अच्छा ना होगा, या आपके खुद को कुछ बीपी से रिलेटेड या ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें और अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। कोई भी नया बिजनेस या कोई भी नई डील मंडे ट्यूजडे को अभी स्टार्ट ना करें। वेनेसडे थर्सडे को आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि आप कोई व्हीकल बाय करें वेनेसडे थर्सडे को। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग प्लान करें जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी, स्पेशल आपके बिजनेस के लिए। देखिए, अगर आपका एरिस एंडस है, अपनी हेल्थ का इस वीक में ध्यान रखें चलें। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में मंगल शनि का सम सप्तक योग बना हुआ है, जो कि 18 अगस्त तक बना रहेगा, और शनि वक्री हो रखे हैं। आप ये समझ के चलें ये टाइम फ्रेम आपकी हेल्थ को लेके लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, काम करने का दिल नहीं करेगा। काम करते जाएंगे पर धक्के से करेंगे, दिल से नहीं करेंगे। तो वेनेसडे थर्सडे कोई नया डील साइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इस सारे समय में आप एक चीज़ हमेशा याद रख के चलें कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा उधारी ना दें, किसी दोस्त के साथ कोई कमिटमेंट फॉल्स ना करें, क्योंकि गुरु आपके लगन में है, और बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा गुरु और राहु की जो युति है वो भी एक दूसरे से दूर जा रही है, तो गुरु अपना फल और ज़्यादा अच्छा देने वाले हैं। तो अनमैरिड जो लोग हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, या आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या आपका अफेयर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम सप्तम और नवम भाव पर है। तो ये वीक आपके लिए मंडे ट्यूजडे थोड़ा अलर्ट होकर चलना है। वेनेसडे थर्सडे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट नई डील लेकर आएगा, शॉर्ट डिसीजंस लेकर आएगा, और फ्राइडे सैटरडे विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर डेज फॉर यू, व्हेन यू विल मेट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड यू मे गो फॉर सम शॉर्ट डिसीजन रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। योर मदर विल गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि आप अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखे चलें। देखिए, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन मुझे बनती हुई दिखती है, या कुछ ना कुछ यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे बनती हुई दिखती है। इन चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि वक्रगत शनि की तृतीय दृष्टि आपके लगन पर है, और वक्रगत शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्नेश मंगल पर भी है। तो बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चले। लगन भी आपका शनि देख रहा है और मंगल को भी शनि देख रहा है। शनि इज अ डोमिनेटर, शनि इज अ डोमिनेटिंग प्लैनेट, वो हर चार्ट को डोमिनेट करता है। तो इस चाहे वो आपके 11th हाउस में है, रिसोर्सेज के हाउस में है, लेकिन वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो आप अपने मार्ग से भटके ना, वीकेंड में किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा घर में ना होने दें, इवन फैमिली के साथ, मदर पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ, उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सैटरडे आप कई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से बोलूंगा, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसे नहीं उधारी देने। इस सारे वीक में आप जितना ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलेंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन। भगवान शिव की आराधना हर रोज सुबह करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें हर रोज सुबह। हर रोज रात को आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हर रोज रात को आप हनुमान जी का उच्चारण करें, संकट मोचन बजरंग बाण का 3 बार 5 बार 7 बार या 1 बार मिनिमम उच्चारण करें। यू विल सी अ मैजिक। अपनी ड्राइव को बिल्ड करें इस सारे वीक में, अपनी पॉजिटिविटी को, एक पॉजिटिव ऑरे को क्रिएट रखें, अपने माइंड को नेगेटिव ना होने दें मंडे ट्यूसडे, क्योंकि परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक इज स्ट्रगलिंग, बट वेनेसडे से गेम चेंज होगी, जो वीकेंड तक आपके लिए बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आएगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए अल्टीमेट जाएंगे। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, बट यू हैव अबिलिटी टू मैनेज योर थिंग्स वेरी नाइस। You will earn money from multiple sources of earning. कहीं से कुछ पैसा आना है तो वो अचानक से आपको मिलेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस पे कन्वर्ट होंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट मंडे ट्यूजडे को आपका हो सकता है। फॉरन PR अप्लाई कर रखा है, फॉरन वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, तो यू विल गेट वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा और PR ऑन वेनेसडे थर्सडे। यू विल गेट गुड न्यूज रिलेटेड टू फॉरन एक्टिविटीज। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, खर्चे की ओर ध्यान देके चलें, अपनी हेल्थ की ओर और बच्चों की हेल्थ की ओर ध्यान देके चलें। बच्चों के ऊपर आपकी सेविंग व्यर्थ में खर्च हो सकती है, या आपका पैसा व्यर्थ में कहीं खराब हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी, डोंट स्पेंड योर मनी।
अपने पैसे को संभाल के रखें, क्योंकि गुरु राहु अभी भी आपके लगन से 12th हाउस में चल रहे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। तो कोर्ट कचहरी में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, वेनेसडे थर्सडे कुछ लीगल इश्यूज आपके अराइज हो सकते हैं, या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें आपको काफ़ी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे का टाइम आपके लिए कुछ फैमिली के साथ अच्छे टाइप्स रहेंगे, लेकिन बच्चों की तरफ से कोई फिक्र रहेगी, या आपके बच्चे स्टडी में फोकस ना कर पाएंगे जिस वजह से मन परेशान रहेगा, या आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा धन जो है वो मांग सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या आपके एक्सपेंडिचर्स पीक पे चले जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, लोन आप ले रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी बनती हुई मुझे दिख रही है, तो बिल्कुल भी उस सिचुएशन में ना जाएं, थोड़ा सा अपनी पॉकेट की ओर देख के चलें, चादर देख के पाँव पसारेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आगे जाके 12th हाउस में गुरु वक्री भी होंगे, तो यू नीड टू बी केयरफुल। अभी से आप थोड़ा स्ट्रांग माइंड रखें, फालतू खर्चा बिल्कुल ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बच्चों के साथ रिश्ता आपका बिगड़ सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल रह सकती है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो फ्राइडे सैटरडे कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, कोई बड़ा बिजनेस आपको फॉरेन से मिल सकता है, या बिजनेस लेने के लिए फॉरेन फ्रीक्वेंट जर्नी पे जा सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव एंड वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, बी ऑनेस्ट, बी हम्बल, बी डेडिकेटेड। अपना जितना डेडिकेशन दिखाएंगे काम के प्रति उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लक्ष्मी माता की उपासना हर रोज सुबह जरूर करें, एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार। अब जितनी ज्यादा लक्ष्मी माता की उपासना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फॉरेन ट्रेवल्स को लेकर, फॉरेन पीआर को लेकर अप्लाई करी हुई है तो गुड न्यूज मिल जाएगी इस वीक में, या अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज अ बेस्ट वीक फॉर यू। लेकिन लगन के लॉर्ड वक्री हैं तो थोड़ा सा उलझनों का सामना आपको इस वीक में करना पड़ेगा। उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो, या उस तरह के रिजल्ट्स आपको भी नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो। सो नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स। दिमाग, मन थोड़ा सा हिलजुल रहेगी आपके दिमाग में, मन में हलचल रहेगी, लेकिन नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओवरऑल ये वीक आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा। अगर आपके ऊपर एक अच्छी महादशा चल रही है तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप जरूर चेक करवाएं, उनसे पूछें कौन सी महादशा आपके ऊपर चल रही है। अगर आपके ऊपर शुक्र की है, बुध की महादशा है, तो डेफिनेटली यू विल मेट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। बट शुक्र वक्री है, गुरु राहु 12th हाउस में, केतु 6th हाउस में, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल स्पेंडिंग। में बार बार बोल रहा हूं, अपने जुड़े हुए पैसे को स्पेंड टॉरस ना करें, अदरवाइज चीजें खराब हो जाएंगी फ्यूचर में। तो लक्ष्मी जलीसा का उच्चारण जरूर करें, फ्राइडे की फास्टिंग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी 7th ऑफ अगस्त से लेकर 13th ऑफ अगस्त का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए अल्टीमेट है। रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे बनेंगे, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, एंड योर फैमिली विल सपोर्ट यू। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फादर और एल्डर सिबलिंग्स, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटी ऑन वेनेसडे थर्सडे, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लीगल मैटर्स। आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी, फैसला आपके फेवर में आएगा। देखिए जेमिनी, एक बात को समझ के चलें, ये जो वीक है आपके लिए कुछ टास्क आपके सामने लेकर आएगा, अगर उन टास्क को आप ऑनेस्टी के साथ क्लियर करेंगे, निभाएंगे, आगे मूव होंगे लाइफ में, तो यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। ये जो वीक है आपके लिए आ रहा है, पैसा भी लेकर आ रहा है, इज्जत शोहरत भी लेकर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल साथ में बनती रहेगी, क्योंकि शुक्र वक्री हैं, शनि वक्री हैं, और जो प्लैनेट्स की पोजीशन बन रही है चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग, फ्राइडे सैटरडे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव से गुजरना पड़ेगा। लेकिन पैसे की किल्लत इस वीक में नहीं रहेगी, रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहेंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। अनएम्प्लॉयड है तो आपको वेनेसडे थर्सडे को जॉब मिल सकती है, नया काम कोई वेनेसडे थर्सडे को स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेकुलेशन से भी दूर रहें इस वीक में, स्टॉक मार्केट में कोई पैसा ना लगाएं, इस वीक में स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ अप एंड डाउन पोजिशन, एंड यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, लेकिन पैसे की आवक आपके बिजनेस से, आपकी जॉब से बनी रहेगी। सो ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन पॉजिटिविटी को अपने अंदर बना के रखें, नेगेटिव थॉट्स को ना लेकर आए। फैमिली की फुल सपोर्ट है, लोन चाहते हैं तो वो क्लिक इस वीक में वेनेसडे थर्सडे को हो जाएगा, या कोई आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई फाइनेंसर चाहिए या कोई पार्टनर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अनमैरिड है तो शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, क्योंकि गुरु अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो ये टाइम
आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, आपकी डेली रिसोर्सेज अच्छी होंगी, आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी चलेगी, स्पाउस से फुली सपोर्ट मिलेगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए कैंसर 7th अगस्त से लेकर 13th अगस्त तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मंडे ट्यूसडे शुगर से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, बैक बोन से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स आवी हो सकती हैं, एग्जाइटी डिप्रेशन आपको हो सकता है, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, घर का माहौल, वर्क प्लेस पे आपका रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ, क्लीग्स के साथ अच्छा ना होगा, आपका बर्ताव अच्छा ना होगा। मंडे ट्यूसडे को आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका रिश्ता क्लीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ खराब हो या दोस्तों के साथ खराब हो। थोड़ा सा हम्बल होके चलें, डाउन टू अर्थ होके चलें। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो रेस्ट करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ना कि काम पे जाएं, क्योंकि काम पे जाएंगे हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। वेनेसडे थर्सडे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल सकती है, ऑलरेडी जॉब में है तो अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वेनेसडे थर्सडे ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। टूर पे जाना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, टूरिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वेडनेसडे थर्सडे इज द अल्टीमेट टाइम फॉर यू। फ्राइडे सैटरडे यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर मदर, योर मदर हेल्थ विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट एंड पीस ऑफ माइंड। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम व्हेन यू विल बी योर नेक्स्ट लेवल। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारा वीक सिर्फ मंडे ट्यूसडे आपने अलर्ट होकर चलना है, वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक जो थिंग्स हैं वर्क प्लेस पे आपके फेवर में रहेंगे। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट होगा या आपके फादर से आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, लेकिन इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ब्रदर इन लॉ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फ्राइडे सैटरडे को केयरफुल होकर चलें, टॉकिंग टर्म्स अच्छी करें सबके साथ। संडे को आपका मन थोड़ा सा परेशान और बेचैन जरूर रहेगा, बट ओवरऑल यू विल स्पेंड गुड टाइम विद योर किड्स एंड योर स्पाउस। इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर अनमैरिड, यू विल स्पेंड अ वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन। ओवरऑल दिस होल वीक विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू, बट यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। सिर्फ फॉर्चून पे ना बैठे, कर्म करें, धरती कर्मशील है, तो धरती पे काम और अर्थी पे आराम, इस टैगलाइन को अगर अपने दिमाग में रख लेंगे तो शनि का गोचर अष्टम भाव में आपके साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि शनि एक ही चीज से खुश होते हैं, वो है आपकी हार्डवर्क, आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन। इन तीन चीजों का मिक्सर है शनि की एनर्जी में, तो शनि अष्टम भाव में है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, तो आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। भगवान शिव की उपासना इस वीक में ज़रूर करें, हर रोज़ सुबह 108 नाम भगवान शिव की गुणगान करें, सुने और बोलें, जितना ज़्यादा आप त्रिलोकपति नीलकंठ महादेव के 108 नाम का उच्चारण करेंगे, भुक्ति मुक्ति आपको सब मिलेगा, पीस ऑफ माइंड आपको सब मिलेगा। भगवान शिव में जो शक्ति है, देवों के देव महादेव में, वो किसी और भगवान में नहीं है। इन नव ग्रहों को कंट्रोल करने की पावर जो भगवान शिव में है, वो किसी और भगवान में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान शिव का सावन का महीना चल रहा है, कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस अगर चल रही है, स्पाउस के साथ रिश्ते खराब चल रहे हैं, हर रोज सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनसे अपने घर का सुख मांगे, अपनी वाइफ का या अपने स्पाउस की बुद्धि आपकी तरफ फोकस हो, ये चीज मांगे तो चीजें आपके लिए काम करेंगी। एक येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में जरूर डालें, एक आप रूबी स्टोन आप डाल सकते हैं राइट हैंड की रिंग फिंगर में, या कोरल डाल सकते हैं, वैसे तो कोरल डालेंगे तो रूबी से भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो साइनस की। लियो 7th अगस्त से लेकर 13th अगस्त तक का जो टाइम है, देखिए मंडे ट्यूसडे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, कुछ नई नई चीजें आपके साथ होंगी, यू मे इन्वेस्ट योर मनी विद समवन और यू मे गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम, यू विल अर्न मनी मोर देन यूर थॉट्स, यू विल फील रिलैक्स, मच बेटर, एंड यू मे गेट सम गुड न्यूज फ्रॉम यूर किड्स साइड। आपके बच्चों की तरफ से आपको कुछ खबरी मिल सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके बच्चों का रिश्ता पक्का हो सकता है, या आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। मंडे ट्यूसडे आप वर्क प्लेस पे अल्टीमेट काम करेंगे, मन बहुत ज्यादा खुश रहेगा, अंदर से पॉजिटिविटी रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी हो सकती है। दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू एंड योर हार्डवर्क विल पे ऑफ यू। देखें लियो, मंडे ट्यूसडे आप जो भी करेंगे ना, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। वेडनेसडे थर्सडे का टाइम भी आपके लिए भगवान शिव की कृपा से बहुत अच्छा आ रहा है, रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे, जो सोच रहे हैं ना आप वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो चीजें धुंधली हैं वेडनेसडे थर्सडे को वो क्लियर हो जाएंगी। आपका आपका जो माइंड है, माइंड सेटअप क्लियर होगा कि हाँ मेरे को ये करना है, इस रास्ते पे जाना है, इसमें मेरे को अच्छी सक्सेस मिलेगी। ऐसी ऐसी चीजें जो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं वो वेडनेसडे थर्सडे को ठीक हो जाएंगी। लेकिन
फ्राइडे सैटरडे को आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपनी मनी इन्वेस्ट करने की या कोई बिजनेस को एक्सपेंड करने की। अगर आप उन इन्वेस्टमेंट्स की ओर चलते हैं, यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एंड दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव वीक फॉर यू। थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे को अपनी हेल्थ का ध्यान देकर चलें, डीप थॉट्स में बिल्कुल ना जाएं, आर्गुमेंट्स बिल्कुल किसी के साथ ना करें, अपना बेस्ट देते रहें, आपको कहीं से बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ हर रोज सुबह करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, अपने पिता समान बुजुर्ग को फाइनेंशियल हेल्प करें, तो यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। फॉरन से रिलेटेड एक्टिविटीज इस वीक में एक्टिव होंगी। फॉरन आना जाना रह सकता है, फॉरन किसी कंपनी में आपको वीजा मिल सकता है, वर्क परमिट मिल सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे फॉरन रिलेटेड इनकम या रिसोर्सेज आपके और ज्यादा डेवलप होंगे, या आप फॉरन में कुछ अपनी कंपनी खोल सकते हैं, ब्रांच खोल सकते हैं, समथिंग हैपन्स पॉजिटिव विद यू रिलेटेड टू योर अर्निंग्स। सो दोस्तों, अब बात करते हैं वर्गो सैंडर्स की। देखिए, वर्गो 7 अगस्त से 13 अगस्त तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूजडे आपके लिए जो होंगे थोड़े क्रूशियल रहेंगे। वर्क प्लेस पे एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, एफर्ट्स के बाद आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन इच्छा पूर्ति के हिसाब से कामयाबी नहीं होगी। भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, खास करके छोटी सिस्टर के साथ, छोटे ब्रदर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अपनी हेल्थ का ध्यान दे के चलना है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, हेल्थ को लेकर पोजिशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। वेनेसडे थर्सडे को कोई आपका ऑपरेशन हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे को कोई आपके हेल्थ पे पैसे लग सकते हैं, दिस इज नॉट वेरी फ्रूटफुल टाइम। वेनेसडे थर्सडे को यू विल फील लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। वेनेसडे थर्सडे को आपका मन दुविधा में रहेगा, परेशानी बेचैनी रहेगी और बहुत ज्यादा मन आपका परेशान रहेगा, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। देखिए, वेनेसडे थर्सडे को आप किसी को पैसा ना दें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, उधारी देंगे तो वापस नहीं मिलेगा। अपनी सेविंग्स को अपने हाथ में रखें, अपनी सेविंग्स को अपने बैंक में रखें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू नियर फ्यूचर। फ्राइडे सैटरडे को यू मे स्पेंड गुड टाइम विद योर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, बट मन परेशान है, दुविधा में है, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके दिमाग में जो आपको परेशान कर रहा है, वो चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड है, वो चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड है, बट समथिंग इज देयर विच इज क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। रिसोर्सेज को लेके ये वीक एवरेज है, बट ओवरऑल आपके एक्सपेंडिचर्स आप बड़े अच्छे मैनेज करेंगे, सेविंग्स आपकी हिलेंगी नहीं, बस शर्त ये है कि पैसा किसी को उधारी नहीं देना। ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः का आपने जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे 108 बार, 151 बार, आपकी बले बले होगी, पॉजिटिविटी रहेगी। गणेश जी के टेंपल में जाएं, मोतीचूर के लड्डुओं का उनको भोग लगाएं, तो यू विल सी अ बिग चेंज इन योर हेल्थ। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडर्स की। 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में लिब्रा आपके लिए मंडे ट्यूसडे का दिन एक्सीलेंट है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपकी जॉब स्विच ऑफ हो जाएगी, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्पाउस को जितनी इज्जत देंगे, जितना आप स्पाउस के आगे अपना ट्रस्ट बना के चलेंगे, उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, क्योंकि आपके लगन के रूलिंग प्लैनेट है वीनस, जो कि वक्री हो रखे हैं। स्पाउस के साथ अनबन या कुछ आपका कुछ चोरी पकड़ी जा सकती है, आपका अफेयर पकड़ा जा सकता है, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब हों। लिब्रा मंडे ट्यूसडे को पैसे की आवक अच्छी बनी रहेगी, लेकिन स्पाउस के साथ रिलेशनशिप डावाडोल रहेंगे ड्यू टू यूर हम कह सकते हैं बैड बिहेवियर या ड्यू टू यूर लूज करेक्टर। और वेनेसडे थर्सडे को कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। अगर आप किसी किस्म के स्टॉक ब्रोकर हैं या आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, यू विल मेट लॉट ऑफ मनी। और सबसे बड़ी बात, वेनेसडे थर्सडे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो यू विल मेट लॉट ऑफ मनी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन कर सकते हैं, या आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, या कुछ सरकार से संबंधित आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट लिब्रा यहाँ पर मिल सकती है। लोन अप्लाई कर रखा है तो वो आपको वेनेसडे थर्सडे को मिल जाएगा। फ्राइडे सैटरडे को आपके घर का माहौल ज्यादा अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश रहेगा, बहुत ज्यादा मन आपका परेशान रहेगा, आपके स्पाउस का रहेगा, आपकी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते फ्राइडे सैटरडे को अच्छे ना होंगे। संडे भी आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, 3 बजे तक संडे घर का माहौल खराब रहेगा, 3 बजे के बाद संडे को, 3 PM के बाद संडे को आपका घर का माहौल कुछ अच्छा होगा। ओवरऑल ये वीक थोड़ा अलर्ट होकर चलें, केयरफुल होकर चलें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, नाड़े के पक्के होकर चलें, करेक्टर लूज बिल्कुल ना करें, बीवी को धोखा बिल्कुल ना दें, चीटिंग बिल्कुल ना करें, सोचे भी ना चीटिंग के बारे में, नहीं तो चीज़ें वर्स्ट साइड पर चली जाएंगी। लगन लॉर्ड वक्री हो रखे हैं, राहु केतु आपके लगन और सेवंथ हाउस में है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली व्हाट एवर यू डिजर्व, सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडर्स की। देखिए स्कॉर्पियो, आपके लिए ये वीक जो है 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक, मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े रिवार्डिंग है। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा,
आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो रुका हुआ था वो क्लिक हो जाएगा, फाइनेंस आपका कुछ बेहतर होता जाएगा। जो पिछले 2-3 महीनों में आपने फाइनेंशियल क्रंच देखा है या अपनी सेविंग को स्पेंड किया है, तो आपकी सेविंग अब दोबारा से बननी शुरू होगी मंडे ट्यूसडे को। वेनेसडे थर्सडे को आपकी कोई लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है, वेनेसडे थर्सडे को कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है जो शादी में कन्वर्ट होगा, या आप कंपेनियन फाइंड कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा सोलमेट या कंपेनियन मिल जाएगा जिससे आपकी शादी की बातचीत चल सकती है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। बड़े स्ट्रॉन्ग योग इस समय स्कॉर्पियो आपके रिश्ते के बने हुए हैं। अगर दशा आपके ऊपर पॉजिटिव है, अगर आपके चंद्रमा की दशा है, मंगल की, शुक्र की या गुरु की दशा है, डेफिनेटली आपका मिंगल प्रिंगल होने वाला है, यानी कि आपकी शादी होने वाली, रिश्ता पक्का होने वाला है। तो ये सारा समय स्कॉर्पियो आप फोकस करें अपनी पर्सनल लाइफ की ओर, क्योंकि वहां से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेंगे। पर्सनल लाइफ इंप्रूव होगी, फाइनेंस आपका इंप्रूव होगा, आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, आपका 7th हाउस एक्टिव होगा, डेली इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी। ये सारा वीक स्कॉर्पियो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यू विल मेट लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रोस्पेरिटी, योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस, सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आई सीन विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ नेम फेम प्रोस्पेरिटी, यू विल गेट ऑल राउंड सपोर्ट, जो सपोर्ट आप चाहते हैं हायर अथॉरिटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, वो आपको मिलेगी। नया व्हीकल बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कंफर्ट्स में राइज होगा। कार्यस्थल पर इस वीक में चमत्कार आप देखेंगे, अचानक से कोई बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, फाइनेंशियल आपकी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट एंड पीस ऑफ माइंड, यू विल गेट ऑल अराउंड सक्सेस। स्कॉर्पियो हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करें, हर रोज सुबह अपने मदर के चरण स्पर्श करें, हर रोज सुबह शिव भगवान की उपासना करें। इस सारे वीक में अगर आप एंटरटेनर हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी किस्म के इन्फ्लुएंसर हैं, तो यू विल डेफिनेटली, स्काई इज योर लिमिट, यू विल डेफिनेटली रॉक। तो अपनी चीज़ों को रिवाइज करें, कुछ गलतियां जो आपसे पास में हुई हैं अपने फाइनेंस को लेके वो दोबारा दोहराएं ना। तो अपने सेविंग्स को अपने हाथ में रखें, थोड़ा पैसे को संभाल के चलें, तो थिंग्स विल बी वर्क आउट फॉर यू। सो हनुमान जी की भक्ति रात को करें, शिव भगवान की भक्ति हर रोज सुबह करें, आपके लिए अच्छा होगा। मदर की ब्लेसिंग्स लें, मदर के साथ टाइप बहुत अच्छे होंगे, फादर के साथ टाइप बहुत अच्छे होंगे, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, मेडिकल हेल्प देते रहें, शमशान घाट में दान पात्र में दान डालते रहें और किसी को मेडिकल हेल्प देते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए सैजिटेरियस 7th अगस्त से 13th अगस्त का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे भी आपका नया लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, नई बिजनेस सेटलमेंट आपकी किसी के साथ हो सकती है, नया इन्वेस्टर आपको मिल सकता है जो आपके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नॉक यू, आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स, देयर इज नो डाउट। देखें सोम मंगल यानी मंडे ट्यूसडे आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा है, वेडनेसडे थर्सडे भी आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो बड़े अच्छे हैं, घर में कोई मांगलिक काम होगा, लेकिन आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर की हेल्थ के लिए आपको हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा या उन पे पैसा खर्च होगा, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। फ्राइडे सैटरडे का पीरियड जो है आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, मन थोड़ा दुविधा में परेशान रहेगा, दिखेगा सब कुछ, आप बोलेंगे दिख सब कुछ रहा है लेकिन हो नहीं रहा, वो बड़ी जल्दी होने वाला है, या तो मंडे ट्यूसडे को हो जाएगा या नेक्स्ट वीक की स्टार्ट में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को आपका मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखें, ऑनेस्टी को बरकरार रखें, यू विल डेफिनेटली सी अ बिग चेंज इन योर प्रोफेशनल लाइफ, स्मार्ट गेन्स विल नॉक यू, इफ यू ऑलरेडी इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रोस्पेरिटी, योर हेल्थ विल बी बेटर, योर वेल्थ विल बी फाइन, यू विल एंजॉय ऑल राउंड कंफर्ट्स, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव वीक फॉर यू। मस्ट वेयर येलो सफायर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर इन गोल्ड एंड ट्राई टू वेयर रूबी राइट हैंड रिंग फिंगर, और शुद्ध करके डालें, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से डालें, यू विल सी अ बिग चेंज। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु जी के टेंपल में जाके देसी घी का दिया जगाएं, यू विल सी अ मिराकल इन योर लाइफ। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस की। देखिए कैप्रिकॉन 7th अगस्त से लेकर 13th अगस्त तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस्ड विद द रिसोर्सेज, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर पेंडिंग वर्क विल क्लियर, यू विल गेट लोन फ्रॉम समवेयर, अगर आपने कहीं लोन अप्लाई कर रखा है तो लोन आपको मिलेगा, आप अपने पुराने डेब्ट्स क्लियर करेंगे, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, इसमें कोई दो राय नहीं, मंडे ट्यूसडे चीजें आपके फेवर में होंगी। वेडनेसडे थर्सडे को स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा,
सीनियर्स के साथ तू तू मैं हो जाएगी, आपकी जो ईगोइस्टिक नेचर है, जो आपका बिहेवियर है ना, ये आपकी चीजों में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ईगो को बढ़ने ना दें, अपने बिहेवियर को कंट्रोल लगा के चलें तो चीजें ठीक रहेंगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल ऑन वेनेसडे थर्सडे। इंप्लॉइज के साथ झगड़ा हो सकता है, स्थान परिवर्तन के आपके योग बन सकते हैं, ऑफिस आप चेंज कर सकते हैं, घर आप चेंज कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी ज्यादा पैसा खर्च ना करें क्योंकि टाइम ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। बट फिर भी दिस वीक इज फार फार बेटर कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक। मंडे ट्यूजडे यू मेट लॉट ऑफ मनी, वेनेसडे थर्सडे यू विल ऑल्सो गेट सम स्मॉल प्रॉफिट्स, फ्राइडे सैटरडे हेल्थ ऑफ योर स्पाउस विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, हेल्थ ऑफ योर ओन विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, लाइक स्टमक रिलेटेड ट्रबल और आई साइड रिलेटेड इशूज विल क्रिएट। आपका आंखों का नंबर बढ़ सकता है, आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी धीमी हो सकती है, तो इग्नोर ना करें हेल्थ इशूज को। काली माता की उपासना इस वीक में जरूर करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पर ब्लाइंडेड ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें। फैमिली के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ना नहीं है, पेरेंट्स के साथ लड़ना नहीं है, स्पाउस के साथ लड़ना नहीं है, हम्बल होकर चलें, पोलाइट होकर चलें, तो चीजें काफी बेटर हो जाएंगी इस वीक में। जितनी ज्यादा आप भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति में शक्ति है काली माता की, उतनी ज्यादा आपका बेड़ा पार होगा। अब बात करते हैं क्वेरियस असेंडेंस की। देखिए 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में मंडे ट्यूसडे खाम खा की उलझन, टेंशन, स्ट्रेस आ सकती है, फैमिली माहौल खराब हो सकता है, स्पाउस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, स्पाउस से किसी कारण दूरी हो सकती है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, मनी आपकी बहुत ज्यादा स्पेंड होगी जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, पैसे का खर्चा इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा जो आपका मन परेशान करेगा। मंडे ट्यूसडे को ओवर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल ना करें, सेविंग बना के चलें। वेनेसडे थर्सडे को ईएमआई पे करनी तो थोड़ी दिक्कत है, किसी से पैसा पकड़ना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस आपकी फाइनेंशियल अच्छी नहीं होंगी, मन परेशान दुविधा में रहेगा। काम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, काम आप बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल पा रहे जो आप डिजर्व करते हैं, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा। कोई नया लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं या किसी से पैसा उधारी मांग सकते हैं, विच विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल यू नो फॉर यू, कि आपको लगेगा कि यार मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, या मुझे ना काम मैं करूँगा तो मेरी रिस्पेक्ट खराब होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट कायम रहेगी, लेकिन अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरे। शनि वक्री आपके लगन में तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ को लेकर, मेंटल पीस को लेकर डिस्टर्बेंस रहेगी। ओवरऑल ये वीक आपके लिए कुछ अच्छी पॉजिटिविटी जरूर लेकर आएगा, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं किसी के साथ करनी, नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना। फ्राइडे सैटरडे को आपके दोस्त आपको फोर्स करेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको या आपके कोई कजन आपको फोर्स करेंगे टू डू समथिंग बिग एंड गुड। अभी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अगर आपका कुंभ लगन है तो, और जो कर रहे हैं उसको करते रहें, उसको बढ़ाएं भी ना। काली माता की उपासना हर रोज रात को करें, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, पेरेंट्स से संबंधित खर्चा हो सकता है उनकी हेल्थ पे, या उनकी हेल्थ से कोई प्रॉब्लम का आपको न्यूज़ मिल सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं पाइसेस सैंडस की। देखें पाइसेस सिचुएशन में कुछ चेंज आ रहा है इस वीक में, 7th अगस्त से 13th अगस्त के बीच में। फनास आपका मंडे ट्यूजडे को बेटर रहेगा, रिसोर्सेज आपके अच्छे रहेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप लूज टॉक नहीं करेंगे, फादर को रिस्पेक्ट देंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनकी ब्लेसिंग के अंडर आके सारा काम करेंगे, यू विल मेट लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर रिलेशनशिप विल बी बेटर। बट वेनेसडे थर्सडे कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व हैं या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, फैसला ऑपोजिट पार्टी के पक्ष में जा सकता है, जिससे मन बड़ा परेशान और बहुत ज्यादा उतावला रहेगा। पाइसेस आप बेकार की चीजों में उलझे हुए हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलेंगे, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके आगे चलेंगे और विश्वास रख के आगे चलेंगे, उतना ज्यादा गेम में विन करेंगे। जितना ज्यादा नेगेटिव थॉट सोचेंगे उतना ज्यादा माइंड आपका नेगेटिविटी की ओर जाता जाएगा, क्योंकि योग ऐसे बने हुए हैं। खर्चे की ओर बहुत लगाम देके चलना है, बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे ऊपर खर्चा हो सकता है, अननेसेसरी जर्नीज बिल्कुल ना करें, फाइनेंस को संभाल के रखें, सेविंग्स को बना के रखें। हालांकि सेविंग्स बनेंगी नहीं, खर्चा अंधाधुंध रहेगा, कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग परेशान है या बीमार है उस पर पैसा लग सकता है, सिबलिंग्स को आप हेल्प कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है इस वीक में जिस वजह से जो बचा हुआ पैसा था वो भी खत्म हो सकता है। लेकिन पैसे की आवक इस वीक में पिछले कुछ वीकों से ज्यादा अच्छी है, यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन। Try to be calm yourself, गुस्सा ना करें, सुबह उठ के मेडिटेट करें। आपको पता है कि भगवान शिव ने दुनिया में लोगों को ये बताया कि मेडिटेशन कैसे करनी, ध्यान कैसे लगाना है। जितना ज़्यादा आप सुबह उठ के मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर आप अपने माइंड के सेंटर में जितना ज़्यादा भगवान शिव को स्थापित करके उनकी चैंटिंग करेंगे, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स।
पिता की साथ बेकदरी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, पिता के चरण स्पर्श करते रहें। जितना ज़्यादा पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता का उतरा हुआ गोल्ड आप धारण कर लें, यू विल सी बिग चेंज इन योर लाइफ। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम थैंक फॉर हैप्पी फ्यूचर। ओम नमः शिवाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।